नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बॉलीवुड में इन दिनों नशाखोरी का मुद्दा छाया हुआ है। कई बड़े सितारों के नाम सामने आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं फिल्मी जगत के ऐसे कई नामी गिरामी सितारे रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल नशे में चूर होकर बिताए हैं। हालांकि वक्त रहते ये सितारे संभल गए, वरना इनकी जिंदगी और करियर पूरी तरह से तबाह हो जाता। संजय दत्त, जाहिर है जब जब नशे में डूबे किसी सितारे का जिक्र होता है तो खुद ब खुद संजय दत्त का नाम जहन में आता है। संजय दत्त ने अपनी जिंदगी के लगभग 12 साल नशे में बिताए हैं। संजय ड्रग्स के नशे में इस कदर डूबे थे कि उन्हें कुछ होश नहीं रहता था। संजय के पिता सुनील दत्त ने अमेरिका में उनका इलाज कराया, तब कहीं जाकर उनकी ये आदत छूटी। हनी सिंह, युवाओं के बीच खासी पकड़ रखने वाले हनी सिंह लंबे वक्त से लाइमलाइट से दूर रहे। लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में बसने वाले हनी सिंह को नशे की ऐसी लत लगी थी कि वो गुमनामी के अंधेरे में खो गए थे। हालांकि धीरे धीरे अब उनकी हालत में सुधार हो रहा है और वो जल्द ही वापसी करने का मन बना रही हैं। ममता कुलकर्णी, करण अर्जुन के जरिए लोगों के दिलों पर छाप छोड़ने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के नाम कोई ना कोई विवाद जरूर रहा है। बॉलीवुड की दुनिया से दूर ममता कुछ साल पहले नशे की लत में इस कदर चूर हो गई थी कि उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। आलम यह है कि धीरे धीरे फैंस के दिलो दिमाग से भी वो दूर होती जा रही हैं। फरदीन खान, अपने शुरुआती फिल्मों से फरदीन खान ये साबित करने में कामयाब हुए थे कि वो एक उभरते सितारे हैं। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। करियर में आगे बढ़ते हुए फरदीन को नशे की ऐसी लत लगी कि उनका पूरा करियर बर्बाद हो गया। साल 2001 में फरदीन कोकीन मामले में गिरफ्तार भी हुए थे। मनीषा कोइराला, एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में देने वाली एक्ट्रेस मनीषा कोइराला भी नशे की जद में आने से खुद को बचा नहीं पाई थी। ये नशा ही था जिसकी वजह से उन्हें कैंसर की जंग लड़नी पड़ी। फिलहाल मनीषा पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हैं और उन्होंने नशे को भी अलविदा कह दिया है। पूजा भट्ट, अभिनेत्री पूजा भट्ट भी नशाखोरी को लेकर खूब चर्चा में रही। 16 साल की उम्र में ही पूजा को नशे का चस्का लग गया था। कई साल नशे में डूबे रहने के बाद पूजा भट्ट ने आखिरकार इससे निजात पाने का फैसला लिया और वो इससे उबरने में कामयाब भी हुई। महेश भट्ट, प्रसिद्ध डायरेक्टर महेश भट्ट का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है। महेश भट्ट तो नशे में इतने चूर हो गए थे कि उनका सबसे नाता टूटने लगा था। खुद के ही घर में उनके पास कोई भी बैठना उठना पसंद नहीं करता था। हालांकि अपनी बेटी शाहीन के लिए महेश भट्ट ने इस बुरी आदत को छोड़ने का फैसला किया था।